हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आसान राह फॉर यू। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डोल 11 वामन एकादशी 2021 व्रत किस दिन रखा जाएगा, शुभ तिथि, और साथ ही जानेंगे इसकी कल्याणकारी व्रत कथा के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और साथ ही फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को परिवर्तनी एकादशी का व्रत किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार अपने 4 महीनों के शयन काल में इसी तिथि को भगवान विष्णु सोते हुए करवट बदलते हैं, अर्थात शयन की स्थिति में परिवर्तन करते हैं, जिस कारण इस एकादशी को जल झूलनी, पद्मा, वामन और डोल 11 एकादशी कई नामों से जाना जाता है। इस दिन व्रत करने और भगवान विष्णु के वामन स्वरूप की पूजा से भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। डोल 11 का व्रत कब रखें? हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 16 सितंबर को है, लेकिन उदया तिथि की मान्यता के अनुसार इस एकादशी का व्रत 17 सितंबर को रखा जाएगा और व्रत का पारण 18 सितंबर को किया जाएगा। एकादशी तिथि का प्रारंभ 16 सितंबर की सुबह 9:36 पर होगा और एकादशी तिथि का समापन 17 सितंबर की सुबह 8:07 पर होगा। इस साल इस एकादशी का व्रत कन्या संक्रांति के योग में रहेगा। ज्योतिष अनुसार सूर्य इस दिन अपनी राशि से कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। एकादशी विधि, इस दिन यदि आप व्रत रख रहे हैं तो सुबह स्नान कर भगवान विष्णु के वामन अवतार का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें और श्री हरि विष्णु जी को सबसे पहले पंचामृत दूध दही घी शक्कर शहद से स्नान करवाएं। इसके बाद गंगा जल से स्नान करवा कर उनका श्रृंगार करें और कुमकुम अक्षत चढ़ाएं और उनकी आरती करें। भगवान विष्णु के पंचाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का एक तुलसी की माला जप करें। एकादशी के दिन दोनों प्रहर अर्थात सुबह और शाम भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का पूजन कर उनका आशीर्वाद ले। पूजा के बाद वामन भगवान की कथा का श्रवण करें और सभी में प्रसाद वितरण करें। एकादशी के नियम, एकादशी व्रत का सबसे बड़ा नियम है कि इस दिन आपको चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। इस व्रत में चावलों का सेवन वर्जित होता है। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन तुलसी के पत्ते या पौधों को नहीं तोड़ना चाहिए। एकादशी व्रत में तामसिक चीजों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान गुस्सा या किसी के साथ वाद विवाद न करें, बल्कि शांत मन से श्री हरि के मंत्रों का जप करते रहें। आइए जानते हैं वामन एकादशी की कल्याणकारी कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एकादशी के व्रत का महात्म्य और परिवर्तनी एकादशी व्रत की कथा सुनाई थी। कथा के अनुसार त्रेता युग में बलि नामक असुर था, जो असुर होने के बाद भी दूसरों की मदद और सेवा करता था। इतना ही नहीं, धर्म कर्म के कार्यों में भी लीन रहता था। अपने इसी तप और भक्ति भाव से वो देवराज इंद्र के समान आ गया, लेकिन बलि की शक्ति से देवराज इंद्र घबरा गए कि कहीं वो स्वर्ग का राजा न बन जाए। तब इंद्र भगवान विष्णु के पास गए और अपनी चिंता बताई। इंद्र द्वारा प्रार्थना के बाद भगवान विष्णु ने वामन रूप का विराट रूप धारण कर पांचवा अवतार लिया और बलि से 3 पग भूमि की याचना की। बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर हां कर दी। इसके बाद भगवान विष्णु ने 1 पग से पृथ्वी, दूसरे पग से स्वर्ग और ब्रह्मलोक को नाप लिया। अब 3रे पग के लिए राजा बलि के पास कुछ भी नहीं बचा। तब बलि ने अपने सिर को आगे कर दिया और भगवान वामन ने 3रा पग उसके सिर पर रख दिया। राजा बलि की इसी भावना से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे पाताल लोक का राजा बना दिया। जय श्री हरि।